कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग एक व्यक्ति से मिले थे, वो बहुत बूढ़े थे, नाम मुझे पता नहीं, मगर सब लोग उन्हें बूढ़े बाबा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग उस बूढ़े बाबा की कहानी सुनेंगे। बहुत बूढ़े थे, उनका एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था कुछ दीपक। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। सोच लीजिए, एक बूढ़ा बाप आईसीयू के सामने खड़ा है और डॉक्टर आके उन्हें कहते हैं कि आपका बेटा नहीं रहा। क्या गुजर रही होगी उस बूढ़े बाप पे? तो चलिए मिलते हैं उस बूढ़े बाप से और सुनते हैं उसकी कहानी उसी के जुबानी। मैंने पूछा मेरे भगवान से, अरे देवा का है दिवस दाखो दास ने बना, मैं किसके सहारे जी, जीने का कोई कोई मकसद ही नहीं रहा। इतने में औरत आई, बताने लगी मुझे कि मेरे दीपक ने कुछ कुछ कार्ड साइन किया है, अपने अपने सब अवयव दान किए हैं कह रहे जी। मैंने कहा जो जो दीपक की इच्छा हो वही करना, हाँ जो जो दीपक की इच्छा हो वही करना। फिर शायद दीपक के कुछ अवयव निकाल दिए गए और जिनके जिनको उनकी जरूरत थी उन्हें दे दी गई। मैंने बहुत विनती की डॉक्टर साहब से, मुझे उन लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, एक बार मुझे मेरे दीपक को वापस देखना है। विनती करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे उन्हें मिलाया। किसी को दीपक की आंखें मिली थी, किसी को दीपक की किडनी, किसी को दीपक की लीवर मिली थी और क्या क्या आपको पता। उस दिन से मेरा परिवार बढ़ते गया, मेरा परिवार बढ़ते गया। आज मुझे चार बेटे हैं, चार बहुएं हैं और नन्हे मुन्ने पोते पोतियां, बहुत मजा आता है इन सबके साथ, बहुत मजा आता है। वो मेरा राशिद है ना, राशिद ईद के दिन मुझे घर लेके जाता है, सिर खुरबा खिलाता है, हाँ। और मेरा रानी क्रिसमस का पूरा हफ्ता मैं उसी के घर रहता हूँ, हाँ। केक खाता हूँ, न्यू ईयर पार्टी में जाता हूँ, बहुत मजा करते हैं हम लोग। और मेरा सुनील, एक बात बताता हूँ, तो सुनील की बीबी है ना, बहुत अच्छा खाना खिलाती है, हाँ। अरे दिवाली का पूरा महीना मैं उन्हीं के घर रहता हूँ, हाँ। बच्चों के साथ पटाखे फोड़ता हूँ, कंदील बनाता हूँ, अरे महीना कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हिमांशु के बारे में बोलना तो मैं भूल ही गया, सरासर पागल लड़का है। नवरात्रि के नौ दिन मुझे गरबा खेलने लेके जाता है, हाँ। और मैं भी खेल लेता हूँ उसके साथ, बड़ा मजा आता है इन सब के साथ। सच कहूँ अब मुझे जीने का सहारा मिल गया है, हाँ। और जीने का मकसद भी बड़ा मजा आता है, बड़ा
दीपक की याद तो आती रहती है। दीपक की याद आती है ना, जब दीपक की याद आती है ना तो मैं इन सबको देख लेता हूं। मेरा दीपक मुझे इन्हीं में दिखाई देता। भगवान ने मेरे घर का दीपक तो बुझा दिया, मगर मेरे दीपक ने जाते जाते इन सभी के घरों में उजाला कर दिया, इन सभी के घरों में उजाला कर दिया। मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है मेरे दीपक पे, मुझे अभिमान है मेरे बेटे पे। मेरा दीपक आज भी मेरे साथ है। हाँ, मेरा दीपक आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है। इस बाबा को अभिमान है अपने बेटे पे, गर्व है अपने बेटे पे, और क्यों ना हो। इतने सारे अनजान लोगों को उन्होंने नई जिंदगी दी, गिफ्ट ऑफ लाइफ, यू नो। अब आप सबको सोचना है, क्या इस जिंदगी खत्म हो जाने के बाद एक फोटो फ्रेम बन के दीवार में टंगना है, या अपने अवयव दान करके किसी को नई जिंदगी देनी है, जिंदगी की भेंट देनी है, या जिंदगी ही भेंट में देनी है। फैसला आपका है। चलिए मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। ये रॉबर्ट टेस साहब की कविता है, इंग्लिश में है, हिंदी में चंद पंक्तियां। कवि कहते हैं, दोस्तों वो भी दिन आएगा जब मैं किसी अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच जंग लड़ते रहूंगा। किसी भी क्षण डॉक्टर घोषणा करेंगे कि मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया है और मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। जब ऐसा हो ना दोस्तों, तो विलाप ना करना, ना ही मुझे मशीन के सहारे जिंदा रखने की कोशिश करना। इसे मेरी मृत्युशैया न समझना। मेरी दृष्टि उस नेत्रहीन को दी जाए जिसने कभी सूर्योदय, किसी अबोध शिशु का चेहरा या किसी युवती के आंखों में प्यार न देखा हो। मेरी किडनी उसे दी जाए जिसको जिंदा रहने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ रहा हो। मेरी हड्डियां, मेरा मांस, पेशियां, मेरे शरीर का एक एक रग किसी अपंग बालक को दिए जाए ताकि वो जीवन की दौड़ में फिर से भाग सके। मेरे सारे अवशेषों को जलाकर उस भस्म को हवा में बिखेर दिया जाए ताकि कुछ फूल खिल सके। अगर कुछ दफनाना ही है ना दोस्तों, तो मेरे सारे अवगुणों को, मेरे कमजोरियों को, मेरे वैमनस्य को दफनाए। मेरे समस्त पाप शैतान को दिए जाए और मेरी आत्मा ईश्वर को समर्पित हो। दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो मैं सदा के लिए आपके साथ रहूंगा, सदैव आपके बीच रहूंगा, आप ही के साथ, आप ही के बीच। धन्यवाद।